रूस आज अपना विजय दिवस मना रहा है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की याद में रूस में आज विजय दिवस मनाया जाता है। आज का दिन विश्व इतिहास में एक उल्लेखनीय दिन है, जो विभिन्न क्षेत्रों और समय अवधियों में विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है। इन मील के पत्थरों ने वैश्विक घटनाओं के प्रक्षेप पथ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल चुका है पश्चिम। विजय दिवस पर पुतिन ने दी धमकी। रूस 9 मई को अपना विजय दिवस मनाता है। विजय दिवस के मौके पर रूस ने शक्ति प्रदर्शन किया। 7 मई के बाद ये दूसरा बड़ा मौका था जब पूरे विश्व की नजरें मॉस्को पर टकटकी लगाए टिकी हुई थी। एक ओर जहां रूस की सेना अपनी ताकत दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ पुतिन पश्चिमी देशों को ललकारते हुए नजर आए। विजय दिवस के मौके पर रेड स्क्वायर के पोडियम से पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी। पुतिन ने कहा कि पश्चिम नई नई जंग पैदा कर रहा है। पश्चिम दूसरे विश्व युद्ध का नतीजा भूल चुका है। हम रूस के लिए कुछ भी करेंगे। बता दें, यूक्रेन युद्ध का आज 805वां दिन भी है और साथ ही हैं विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे की परेड। पुतिन ने विजय दिवस मंच से देश की तरक्की, कामयाबी और शौर्य का बखान किया। दुनिया पुतिन की ताकत और रूस के शक्तिशाली प्रदर्शन को टकटकी लगाए देख रही थी। यूक्रेन में बम की बरसात हो रही थी और 9 मई की सुबह मॉस्को का रेड स्क्वायर पुतिन के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बना रहा। हर साल की तरह इस साल भी 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस के मौके पर रूस ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए टैंक, परमाणु मिसाइल, फाइटर जेट की ताकत दिखाई। इसी बीच बता दें, 7 मई को ही पुतिन ने बतौर रूसी राष्ट्रपति 5वीं बार शपथ ली थी।